Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online class in YouTube channel. In this session, I will teach you social science, जो भी class 9 के लिए है, जिसमें हम लोग chapter 1 पढ़ रहे हैं. Chapter 1 का fourth part होगा. इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 part पढ़ा चुका है, उसका video बना हुआ है. वो आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो. अगर आप लोग देख लिए हैं, तो आज हम fourth part start कर रहे हैं. Chapter का नाम है The French Revolution. मतलब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़े. तो लास्ट चैप्टर मतलब ये वीडियो में हम लोग ने कंप्लीट किया था, जो मतलब फ्रांस में ये बहुत कड़ाके की ठंड पड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ा है, जिसके कारण वहां पे ये क्रॉप्स का जो कल्टिवेशन हुआ है, खेती बाड़ी जो हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, ये क्रॉप है वो बहुत ही कम हो गया. तो इसके कारण वहां पे क्या हुआ है, जो भी बैगर्स थे, मतलब जो भी रोटियां वगैरह या खाने का जो भी व्यवहार करते थे, रोटियां वगैरह बना के, ब्रेड वगैरह बना के, कुछ लोग खाने का जो व्यवहार करते थे, वो लोग क्या किए, जो 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 एक तो कम मात्रा में उपज हुआ है, दूसरा क्या किए, वो जो सप्लाई करने लगे, हॉर्ड करने लगे अपने, मतलब हॉर्ड तो होता है आप लोगों को संचित करना, वो भी गुप्त तरीके से. तो मतलब जो भी ये क्रॉप्स का ग्रेन वगैरह का जो भी था प्रोडक्शन, उसको मतलब संचित करने लगे एक तरह से अपने गुप्त तरह से. तो इससे और कमी आ गई, वैसे ही प्रोडक्शन कम हुआ है, और कोई भी गुप्त तरीके से उस प्रोडक्शन जो भी कम हुआ उसमें भी गुप्त तरीके से अगर संचित कर लेंगे तो और कमी आ जाएगी. और क्या बैकर्स लोग ने क्या किया, जो इसके कारण कमी के कारण उन्होंने प्रोडक्शन उतना हो नहीं पा रहा था, उसके कारण उन्होंने रेट भी बढ़ा दिया. अब ब्रेड का रेट बढ़ गया है तो जो पुअर पीपुल है उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आने लगी. बड़े लोगों को जो नॉर्मल थे, जो करेंसी स्टेट थे, मतलब स्टेट के लोग थे, उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. जो रिच क्लास के लोग थे उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगर जो लोअर क्लास के लोग थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गया. अब उनको खाने को रोटी नहीं मिल रहा था, अगर मिल भी रहा था तो बहुत महंगा दामों में मिल रहा था. तो इसको इसके कारण उन लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ. तो हम लोगों ने देखा जो बेस्टाइल मतलब किला है उसको उन्होंने लूटपाट कर लिया है, और वहां मतलब वहां पर लूटपाट कर लिया है. इसके आगे हम लोग देखते हैं. इन द कंट्री साइड ह्यूमन स्पीड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड ऑफ मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वेयर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइट क्रॉस. अब देखिए लॉर्ड्स ऑफ मैनर, देखिए क्या होता था ना, ये किंग है, इस किंग ने बहुत सारे बड़े आदमी को, जमींदार जैसे हम लोग बोलते हैं, तो उसी को बोला जाता है लॉर्ड्स ऑफ मैनर. मतलब जो भी जमींदार है, जमींदार क्या कर रहा था, जमींदार लोगों को मतलब दे दिया, या बड़े लोगों को दे दिया करते थे, या जो भी क्लर्जी क्लास के लोग थे, जो स्टेट वन के लोग थे, स्टेट टू के लोग थे, उन लोगों के पास या जमींदार लोगों के पास बहुत सारे लॉर्ड्स होता था, मतलब बहुत सारे जमीन होता था, उसी को लॉर्ड्स ऑफ मैनर, जो जमींदार आता था उसी को लॉर्ड्स ऑफ मैनर बोला जाता था. मतलब जमीन का मालिक, जागीर का मालिक उसको बोला जाएगा. तो वो जो था, वो जमींदार लोग जो था, तो एक र्यूमर फैला जो ये जमींदार है, ये मतलब एक बैंड, मतलब एक समूह को इकट्ठा किया है, जो वो समूह क्या करेगा, हम लोग जितना भी फसल उगाए, पुअर पीपुल जितना भी फसल उगाया था उसको, वो अब वो फसल पकने को था, मतलब वो उसका हार्वेस्टिंग होने वाला था. तो अब वो हार्वेस्टिंग होने वाला है, उससे जस्ट पहले एक र्यूमर आ गया, जो मतलब ये जो लॉस ऑफ मैनर है ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हायर किए हैं और वो बिल्कुल हम लोगों का जो क्रॉप्स है उसको खत्म कर देंगे, उसको मैनेज नष्ट कर देंगे. तो ये एक तरह का ह्यूमर चल गया. क्रॉप इंफ्रिंजिंग अफेयर प्रेजेंट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज रो एंड पीस फॉर एंड अटैक चल. अब ये देखिए ये जो ह्यूमर था, इसके कारण क्या हुआ, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, आक्रोश आ गया,
थे उन्होंने क्या क्या उनके पास जो भी अस्त्र शस्त्र था, अस्त्र शस्त्र कहने का मतलब जो भी कारीगर आता है, जो भी पीजेंट लोग मतलब किसान वर्ग के लोग रहते हैं, उनके पास कुदाल रहता है, उनके पास मतलब नुकीला चीज कुछ रहता है जिसको खोदने का वो काम करते हैं, टोपी वगैरह या हंसुआ वगैरह हम लोगों का जो रहता है, ये भी एक तरह का अस्त्र ही हो सकता है, वो होता है। तो वो सब उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने सेटॉक्स मतलब होता है ना, वहां पे जो भी महल होता था, महल क्लास का जो भी बिल्डिंग रहता था उसको सेटॉक्स बोला जाता था। तो मतलब उस पर हमला कर दिया। दे लूटेड होटल देन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मेनोनियन क्विंस। अब देखिए उन्होंने जो होटेड ग्रेन था, अनाज था, जो संचित किया हुआ अनाज था, वो उनको लूट लिए, मतलब उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। और साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट था, माने जागीर लोग क्या करते थे, जागीर लोग जो मतलब जमींदार लोग थे, वो डॉक्यूमेंट बना के रखते थे जो हाँ तुमको मतलब इतना पैसा दिया है, इतना पैसा तुमसे लेना है, जो मुंशीगिरी का काम नहीं करता था वो लोग मतलब बना के रखते थे पूरा डॉक्यूमेंट। तो वो डॉक्यूमेंट भी था, वो डॉक्यूमेंट वो उस डॉक्यूमेंट को जला दिया और जो भी होटल ग्रेन्स था उनको कैप्चर कर दिया। A large number of nobles played from their own, many of them migrated to neighboring country. अब देखिए बहुत सारे nobles थे, ये nobles थे ना, nobles मतलब high class वर्ग के लोग थे, ये nobles थे, मतलब ये क्या कि इन्हीं के घर में मतलब घुसे थे और इन्हीं को मतलब चेकअप मतलब महल आकार का बिल्डिंग जो होता था जो बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे, तो उसमें जो भी था वो कैप्चर भी लोग कर लिए थे और बाकी को मारते थे। तो ये लोग क्या किए, ये भाग गए, जिनको जैसे ही हुआ वो भाग गए, बहुत सारा तो ऐसा हुआ जो अपना कंट्री छोड़ के भाग के दूसरे कंट्री में जाके बस गए। फेस विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट लुईस 16 फाइनली अपॉइंटेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए ये जो इतना आक्रोश था जनता में, इतना आक्रोश था, इनका एक तरह का एक पावर बन गया था। इस पावर को वो मतलब अब रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, किंग जो था उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, उसको सप्रेस नहीं कर पा रहा था, रोक नहीं पा रहा था। तो अब वो किंग बोला अगर हम इसको सप्रेस नहीं कर पा रहे, रोक नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे हैं, तो कुछ समय में ये मेरे पास पहुंच जाएगा और हमको भी मार सकता है। तो इसके डर के चलते उसने क्या किया, जो भी ये लोग जो मतलब बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसमें जो पावर ऑफ द किंग रहता है उसको कम किया जाएगा, उसको लिमिट किया जाएगा, उसके बारे में उसने मान लिया। बोला हाँ आज से मैं आपका प्रिंसिपल मानता हूँ, सिद्धांत मानता हूँ, आज से मेरी जो ताकतें हैं वो ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसके हिसाब से मेरी ताकत को मतलब ये किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 के रात में, 4 अगस्त की रात में, और द असेंबली पास्ट डिक्री अबोलिशन द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। अभी जो फ्यूडल सिस्टम था, सामंतवादी प्रथा जो थी, ये मतलब ये क्या करते थे सामंतवाद लोग, मतलब कर भी नहीं देते थे, टैक्स भी नहीं देते थे और मतलब बहुत सारे मजदूर को बंधुआ मजदूर बना के रखते थे, उनको काम करवाते थे। तो एक इसके अगेंस्ट में एक एक्ट पास हुआ, एक कानून पास हुआ, जो इस संविधान में कानून पास किया गया असेंबली में, उसमें बोला गया जो आज से फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम को डिमिस किया जाता मतलब खत्म किया जाता है। तो मतलब उसके बारे में तो वो खत्म किया, उसके मतलब उनको भी बोला गया तो आप अपना जो प्रिविलेज है, आपको जो प्रिविलेज दिया गया है, विशेषाधिकार जो दिया गया है, उसको भी हम लोग खत्म करेंगे, उसको भी खत्म किया जाएगा। टिट्स वेयर एबोलिज एंड लैंड ऑन बाय चर्च वेयर कंस्फिकेटेड एज द रिजर्व गवर्नमेंट एक्वायर असेस फॉर एटलीस्ट 2 मिलियन लेबर्स। अब देखिए जो भी चर्च
चर्च जो किसानों से काम करवाता था और उसका जो टैक्स जो पे करता था, किसान वगैरह जो टैक्स पे करते थे उसके टैक्स का कुछ हिस्सा वो ले लेता था, चर्च वगैरह वो ले लेता था, इसी को टैक्स बोला जाता था। टैक्स को खत्म किया गया, जो ये जो दे रहा है, एक तो ये लोग मतलब टैक्स नहीं दे रहे हैं और जो गरीब तबका का लोग है जो टैक्स दे रहा है उसको भी उसमें भी ये लोग ले ले रहे हैं, तो इसको खत्म किया जाए। तो ये टैक्स वाला जो प्रथा थी उसको खत्म किया गया और इससे और जो भी चर्च था उसको मैंने कैप्चर कर लिया गया, चर्च को कैप्चर कर लिया गया मतलब जब्त कर लिया गया। कन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त करना एज द गवर्नमेंट, जिसके कारण गवर्नमेंट जो था, जो गवर्नमेंट बना था उसको फायदा हुआ 2 बिलियन लीवर्स का, मतलब 200 करोड़ लीवर्स का उसको फायदा हुआ। एक 1 बिलियन में होता है 100 करोड़, 2 बिलियन में 200 करोड़ लीवर्स का उसको फायदा हुआ। तो पहले तो जा रहा था घटे भी जा रहा था, एक से 2 बिलियन तो आप लोग हम लोग पढ़े थे, तो मतलब 1 to 2 बिलियन जो था वो कर्ज में और चला गया था, तो पहले से ही कर्ज में था और 1 to 2 बिलियन कर्ज में चला गया था। ये जो एक्सपेंसेस था, डेली एक्सपेंसेस था किंग्स का, वो नहीं हो पा रहा था, मतलब ये नहीं हो पा रहा था, इसके कारण उसको टैक्स को बढ़ाना पड़ा। टैक्स को बढ़ाने के कारण ये लेबर क्लास लोगों में दिक्कत आ गई, तो उस टाइम में जो था वो मतलब इसमें चला जा रहा था, डिक्लाइन होता जा रहा था, जो भी प्रॉपर्टी ये धन था, धन जमा राशि था वो कर्ज में चला जा रहा था। मगर आज ये सब कारण होने के कारण जब्त कर लिया गया, ये सब क्लास को खत्म कर दिया गया, इसके कारण अब $2 बिलियन ये रिवर्स का ये हुआ है, मुनाफा हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ये संविधान जो था वो मतलब शुरुआत जो उसका था, जो डिक्लेरेशन था वो क्या था, जो मैन सिटीजन का जो राइट था उसको कंजर्व किया जाएगा, मतलब उसको सुरक्षित किया जाएगा। राइट सच एज द राइट ऑफ लाइफ, राइट मतलब क्या क्या अधिकार थे, राइट्स क्या क्या थे, तो उसको वो था राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वेयर एस्टैब्लिश एज ए नेचुरल एंड इनएलाइनेबल राइट्स, दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट, ईच सिटीजन नेचुरल राइट। अब देखिए ये जो भी राइट्स थी, जो भी राइट्स थे, राइट्स ऑफ लाइफ, लाइफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब लॉ के सामने, कानून के सामने सबको एक समान देखा जाए, वेयर एस्टैब्लिश आर नेचुरल एंड ये प्राकृतिक और इन अलाइनेबल, अलाइनेबल मतलब जिसको हम दे नहीं सकते हैं, चाह के भी नहीं दे सकते हैं, तो ये एक तो प्राकृतिक था और ये कोई छीन नहीं सकता था, किसी को दे नहीं सकते, तो ये ऐसा राइट था जो बोला गया जो बाई जन्म, मतलब आप बर्थ लिया और आपके पास ये राइट्स आ गया, जो ये राइट्स है आपको, और इसको कोई नहीं छीन सकता, साथ ही ये राइट को प्रोटेक्ट करने में गवर्नमेंट आपके सहायता करेगी। तो देखिए और उस टाइम है 1700 मतलब 80-85 का बात है ये, उस टाइम है मतलब जो पीपल रहते थे वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड, मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब जो एक बहुत सारी जनसंख्या, मतलब जो भी जनसंख्या थी उसका बहुत सारा पार्ट जो था 70-80% पार्ट जो था वो अनपढ़ थे, वो इलिटरेट थे, उनके पास मतलब शिक्षा नहीं थी, तो वो क्या करते, तो उनको भी ये मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया था, तो लोग जो चाह रहे थे, जो भी बनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन वो चाह रहे थे उनके पास भी ये पहुंचे, वो भी अपना राइट समझ पाए, तो इसके लिए क्या किए, वो लिखे तो मतलब लेटर के फॉर्म में तो वो लिखे ही, मगर साथ साथ सिंबल भी दे, जो हाँ वो सिंबल जो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे वो सिंबल देके उसको मतलब समझ सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, तो उस सिंबल्स का मीनिंग हम लोग देखते हैं। तो देखिए रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स है, वहां पर देखिए द ब्रोकन चेन, ये तो देखिए ये ब्रोकन जो चेन है तो ये क्या डिनोट करता है, चेन वेयर यूज्ड टू फैटन स्लेव, स्लेव मतलब गुलाम, मतलब जो बदवा मजदूर या गुलाम उसको मतलब बांधने के लिए ये फैटन ये चेन का यूज किया जाता है। अब ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, अब ब्रोकन चेन ये चेन
हम लोग क्या उस टाइम में क्या डिनोट करता था, ये चैन किसी चीज को बांधने के लिए, किस चीज को बांधने के लिए, वो स्लेव को बांधने के लिए यूज किया करते थे। तो ये टूटा हुआ चैन ये चीज को डिनोट कर रहा था कि मतलब ये जो स्लेव है, ये जो गुलाम है, वो अब फ्री है, उस पर किसी का कोई पाबंदी नहीं है। द बंडल ऑफ लॉर्ड, ये बंडल ऑफ लॉर्ड मतलब ये मतलब आप लोगों ने ये तो कहानी पढ़ी होगी, सुनी ही होगी, जो एक एक बंडल की लकड़ी को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, एज इट इज को एक लकड़ी को एक स्टिक को आराम से तोड़ सकते हैं, मतलब बंडल ऑफ स्टिक्स को आराम से नहीं तोड़ सकते हैं। तो क्या था, ये जो था यूनिटी को शो कर रहा था, वन रोड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, स्ट्रेंथ जो है वो लाइज इसमें करता है, ये यूनिटी में लाइज करता है। अब देखिए ये जो है ये आई ट्रायंगल शेप है, उसमें एक आई बना हुआ, इसका क्या मीनिंग है, इसका ये नहीं था मीनिंग था द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, ये जो आईज है हम लोगों को ये क्या देता है, ये हमेशा ही नॉलेज के मतलब रिस्पेक्ट में काम करता है, हम कुछ भी देखते हैं उसे हम लोग नॉलेज गेन करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड को देखे इससे हम लोग को क्या पता लगा, इसमें पढ़ाई होता है। तो मतलब ये नॉलेज को नॉलेज का सिंबल है हम लोगों का। हाँ तो देखिए, और ये जो रेज है, ये जो यहाँ पे रेज है, जो रेज आउट रेडिएट हो रहा है, आउटवर्ड को रेडिएट हो रहा है, इसका ये मीनिंग है जो मतलब अज्ञान का जो मतलब क्लाउड है, बादल है, ये हट गया है, ये हट जाएगा, द रेज ऑफ द सन विल ड्राई आउट द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, मतलब ये जो रेज है ये हटा देगा अज्ञान के बादल को हटा देगा। स्नेक बाइट इट्स नेल टू फॉर्म अ रिंग, ये जो स्नेक बाइट कर रहा है, यहाँ पे देखिए जो स्नेक बाइट कर रहा है अपने टेल को बाइट कर रहा है, ये बोला तो हम लोगों का जो ये अनंत है, मतलब शून्य एक तरह का क्या होता है, एक तरह का अनंत होता है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो वैसे ही हम लोगों का ब्रह्मांड एक तरह का शून्य है, इसका कोई अंत नहीं। तो यही यहाँ पे जो ये मतलब अपने टेल को यहाँ पे खा रहा है, ये एटर्निटी को शो कर रहा है, मतलब ये अनंत काल को शो कर रहा है। और ये है स्क्रिप्चर, मतलब जो प्रभुत्व, मतलब ये मतलब प्रभुत्व को शो कर रहा है, रॉयल सिंबल ऑफ द रॉयल पावर, पावर रॉयल पावर के लिए शो कर रहा है। रेड प्रीमियम क्या, ये जो कैप है रेड तरह का, ये जो कैप है, ये कैप क्या है, ये कैप तब पहना जाता था जब वो लोग पहनते थे जो फ्री हो गए हैं, स्लेव से फ्री हो गए हैं, कैप वन बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। अब जो फ्री हुए हैं, जो मतलब स्लेवरी से जो फ्री हुए हैं, वो स्लेव लोग इसको पहनते थे। ब्लू व्हाइट रेड, ये तीन कलर जो है ये फ्रांस का मतलब नेशनल कलर है। द विंग मूवमेंट, ये जो विंग मूवमेंट है यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, ये एक तरह के व्यक्तित्व को शो कर रहा है, किसके व्यक्तित्व को, लॉ कानून के व्यक्तित्व को शो कर रहा है। यहाँ पे लॉ टेबल क्या है, ये जो लॉ टेबल है, ये लॉ टेबल क्या है, ये मतलब लॉ टेबल है, ये बता रहा है कि मतलब ये इक्विटी की वो लॉ को शो कर रहा है, मतलब क्या है, एक लॉ के सामने अमीर और गरीब नहीं देखा जाएगा, जो मतलब सोशल स्टेटस वहां पर नहीं देखा जाएगा, अमीर और गरीब वो सेम, अगर क्राइम कर रहा है एक ही एक, एक अमीर एक मर्डर कर रहा है और एक गरीब एक मर्डर कर रहा है, तो दोनों का जो मतलब पनिशमेंट होगा, तो वो पनिशमेंट में इन दोनों में अंतर नहीं किया जाएगा, दोनों को सेम पनिशमेंट ही दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मतलब सिंबल्स दिए हुए हैं, ये सिंबल्स मतलब वो बताते थे, तो मतलब एक्सप्रेस करते थे, अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। और ये किसके लिए दिए गए थे, ये वैसे लोगों के लिए दिए गए थे जो कि मतलब पढ़ नहीं पा रहे थे, तो साक्षर नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा जो हम लोगों का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स थे, राइट्स राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट्स ऑफ लाइफ, ओपिनियन का फ्रीडम, और क्या बोलते हैं बिफोर लॉ इक्विटी बिफोर, ये सब राइट्स था, ये कानून था। और उसके बाद यहाँ पे कुछ सिंबल्स वगैरह हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग का नया मतलब फ्रांस रिवॉल्यूशन मोनार्की एब्रिसेड मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। अब देखिए जो फ्रांस है यहाँ पे राजतंत्र का मतलब खात्मा हुआ, और क्या है